व्यूअर्स वेलकम टू डीओ टीवी जीडब्ल्यू के लेक्चर नंबर 2 के साथ एमएल चुकताई व्यूअर्स आज हम एक इसमें एक प्रोग्राम टाइप करेंगे जिसमें हम टू वैल्यूज की एवरेज निकालेंगे व्यूअर्स लास्ट में मैंने बता दिया था कि जब जीडब्ल्यू बेसिक स्टार्ट किया है तो ट्रैक मोड में और डायरेक्ट मोड में कोई भी वैल्यूज के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में कैलकुलेट की लाइक ये देखिए मैं अभी प्रिंट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड टाइम प्रेस का स्क्वायर तो उसने मल्टीप्लाई कर दिया इस मतलब है कि हमें स्टैक ट्रैक मोड में बस आज मैं आपसे पहले एक कमांड बताऊंगा उसको आप माइंड में रखिएगा कि ये क्लियर स्क्रीन में मेन स्क्रीन को जो आज रहा है सारा कवर करता हूं स्क्रीन के लिए मैं सीएल आरएस सिंटैक्स एरर आ गया एल आर स्क्रीन और इसके बाद हमें प्रोग्रामिंग टाइप करने जा रहा हूं इसको जान आप देखना आपका फर्स्ट लाइन में सिंगल लाइन नंबर 10 नाउ इसमें मैं दिख रहा हूं मैं आरएम ब्रीम दिस प्रोग्राम कैलकुलेट द Average of two numbers. ठीक है viewers. आज हम मैं इसके बाद line number 20 दे 20 दे तो मैं इसमें मैं a की value space दूंगा a के बाद equal to sign equal to cosine bracket बंद करता हूँ divided by two enter press करता हूँ line number 50 display space फिर mistake display the average enter line number 60 space print double quotation mark use karna aapne average equal to double quotation mark को क्लोज कीजिएगा और इसके बाद आपने सेमी कॉलन फिर उसके बाद लिखना है AVG एंटर बाद आपने लिखना है उसके बाद आपने लिखना है प्रोग्राम कंप्लीट हो गया प्रोग्राम को रन करने के लिए जरूरी है कि हम जो है F2 जो है प्रेस करेंगे देखिए प्रोग्राम को मैंने रन किया आपने प्रोग्राम को रन किया इसके 8.25 आ गई 215 में 15 में 2 को प्लस किया 2 को प्लस किया और उसको 7 डिवाइड कर दिया अगर आप डिवाइड इसको चेक कर आप सिंपल इसको चेक करेंगे 17 ही आंसर आएगा अपने कैलकुलेटर पे आप चेक कर सकते हैं इसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि ये सारा प्रोग्राम बता दूं कि ये लिया इसके बाद टाइप कर लिया इसके बाद प्रोग्राम को सेव भी करने के लिए हम सिंपल यहां पे कमांड लिखेंगे सिंपल यहां पे कमांड लिखेंगे सेव वी सेव स्पेस वी सेव स्पेस क्वेश्चन मार्क फाइल का नाम रख लेते हैं एवीजी एवरेज टू नंबर्स
टू नम मेरा थोड़ा सा कीबोर्ड का मिस है, थोड़ा सा मेरी फाइल का नाम रख के उसको मेन फाइल का नाम रख के उसको मेन, ये मेरी फाइल सेव हो गई है, ये मेरी फाइल सेव हो गई है बिकॉज़ मैंने दो कमांड बता दी है, बिकॉज़ मैंने दो कमांड बता दी है, गेम सीएलएस करूंगा, गेम स्क्रीन सीएलएस हो गई, मैंने फाइल सेव हो गई, मैंने फाइल कंप्यूटर में सेव है, फाइल कंप्यूटर में सेव है। अब मैं इस फाइल को इसमें सबसे पहले एक और कमांड आप सबसे पहले ले जा रहा हूं, कमांड आप लिस्ट कमांड जा रहा हूं, जिसमें लिस्ट कमांड आप नोट कर लीजिए कि लिस्ट कमांड देख लीजिए, ये प्रोग्राम हमारा ऑलरेडी लोड है, ये प्रोग्राम ऑलरेडी लोडेड है आपको मेरी इसमें इसके बाद गेंद नाम प्रेस करके गेंद नाम क्लियर हो गया, प्रेस करता हूं मैं इसमें क्लियर हो गया आपको कुछ सेव किया हुआ जैसे जीडब्ल्यूएस सेव किया हुआ जैसे मैं जीडब्ल्यूएस क्रॉस करता हूं क्रॉस बंद करता हूं अब मैं इसको ओपन करता हूं देखिए मैं यहां से जीडब्ल्यूएस ओपन करता हूं देखिए मैं यहां से जीडब्ल्यूएस ओपन किया तो जीडब्ल्यूएस में अगर देखिए तो यहां कुछ भी लोड है या नहीं है देखिए यहां पे कुछ भी लोड है या नहीं है मैं लिस्ट लिख के चेक कर लेता हूं कोई प्रोग्राम इसमें लोडेड नहीं है नो कोई प्रोग्राम इसमें अगर आपने अपना प्रोग्राम ओपन करना है अगर आपने अपना प्रोग्राम ओपन करना है ओपन आप इस प्रोग्राम को ओपन करने के लिए ओपन ओपन क्वोटेशन मार्क में ओपन क्वोटेशन मार्क में बीजी ए बीजी नंबर अपनी उस फाइल का नाम लिखिए अपनी उस फाइल का नाम लिखिए क्वोटेशन मार्क को बंद कीजिए अब आपकी सिंटैक्स एरर आ गया कोई अब आपने सिंटैक्स एरर आ गया कोई हमने मिसिंग कर दी ओपन नहीं लोड लिखना सॉरी ओपन नहीं लोड लिखना सॉरी एल ओ ए डी लोड एवीजी एवीजी टू नंबर्स प्रोग्राम लोड हो गया व्यूअर्स प्रोग्राम लोड हो गया बेसिक में हम प्रोग्राम को जीडब्ल्यू बेसिक में हम जब फाइल हमने बनाई है यानी प्रोग्राम बनाया है उसको सेव फाइल हमने बनाई है यानी प्रोग्राम बनाया है अगर ओपन करना चाहते हैं उसके लिए हमें लोड द्वारा अगर ओपन करना चाहते हैं देखिए हमारा प्रोग्राम लोड हो गया जैसा कि आप यहां पे देखिए हमारा प्रोग्राम लोड हो गया जैसा कि आपको यहां पे शो नहीं हो रही थी अब मैंने यहां पे लिस्ट टाइप किया कोई लिस्ट शो नहीं हो रही थी अब मैं यहां पे लिस्ट टाइप कर रहा हूं प्रोग्राम शो नाउ ये देखिए वही प्रोग्राम आपके सामने आ गया नाउ ये देखिए व्यूअर्स प्रोग्राम आपके सामने आ गया थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस इंशाल्लाह